कृषि कानून को लेकर बागपत में प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब सपा कार्यकर्ताओं ने एक महिला दारोगा को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। दरअसल सपा कार्यकर्ता किसान यात्रा निकाल रहे थे, इस दौरान एक कार्यकर्ता ने यूपी की महिला पुलिस पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद वहां मौजूद महिला दारोगा सपा कार्यकर्ताओं से भिड़ गईं। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। तो वहीं सीओ सिटी ओमपाल सिंह ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। समाजवादी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, क्या पूरा मामला है? आज यहाँ बिल्लू प्रधान के नेतृत्व में इन्हीं के मकान पर जो है ये लोग किसानों को सपोर्ट करने के लिए और कलेक्ट्रेट पर जाने के लिए यहाँ से आतुर थे, जिसको जो है पुलिस के द्वारा यहाँ इन्हीं के आवास पर रोका गया है और ये सड़क की तरफ बढ़ रहे थे, तब धक्का मुक्की के साथ जो है इनको वापस किया गया, जिसमें जो है कुछ महिलाओं ने हमारी जो महिला इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल हैं इनके साथ बदतमीजी की, जिनको जो है तीन को हिरासत में लिया गया है, तीन महिलाओं को और दो पुरुष जो अभद्र व्यवहार कर रहे थे उनको भी हिरासत में लिया गया है। अभी इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और महिला थाने की तरफ से भी जो है कार्रवाई की जा रही है। किन धाराओं में चार्ज होगा इन पर जिन्होंने बदतमीजी की है? अभी जो है जिन्होंने बदतमीजी की है उसमें जो है महिला पुलिस की तरफ से महिला थाने पर जो है 353 332 323 और 506 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर कितने गिरफ्तार और कितने और गिरफ्तार होंगे? अभी जो है कुल 5 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं और आगे भी जो है गिरफ्तारी की जाएगी, 151 की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। हालांकि कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक बढ़ती देख किसान यात्रा को रोक दिया गया, जिसके बाद कई सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। अब देखना ये होगा कि महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर सपा कार्यकर्ताओं पर योगी की पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।